प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक भाग दो पाठ 15 नीलकंठ की पुनरावृत्ति शुरू करेंगे। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। तो चलिए, एक दिन लेखिका अपने एक मेहमान को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि उन्हें चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। वह बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान पर अभी पहुंच भी न थी कि उन्होंने सड़क के बीचों बीच गाड़ी रुकवाकर लेखिका को मोर के दो बच्चों के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, एक मोर है, एक मोरनी। लेखिका ने मोर के बच्चे देखने चाहे। लेखिका ने 35 रुपये देकर उन दोनों को खरीद लिया। लेखिका मेहमानों को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी। उतने में ही उसे चिड़ियों और खरगोशों की दुकान के बारे में याद आ गया। वह बड़े मियाँ की दुकान पर पहुंचते ही उसने लेखिका को मोर के बच्चों के बारे में बताना शुरू कर दिया। मोर के बच्चों को देखते ही लेखिका ने उन्हें 35 रुपये देकर दोनों को खरीद लिया। महादेवी ने अपने पढ़ने के कमरे में उन्हें स्थान दिया। इस कमरे में वे कभी मेज के नीचे व कभी अलमारी के पीछे घुस जाते। फिर वो रद्दी कागज की टोकरी में बैठने लगे। एक दिन महादेवी वर्मा ने इन पक्षियों को दूसरे जीवों के साथ बड़े जाली घर में पहुंचाया। दोनों ने मेहमानों का स्वागत वहां के सभी जीवों ने नववधु के समान किया। तो घर आने के बाद लेखिका ने पिंजड़े को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में रख दिया। वहां वे बिना डर के कभी मेज के नीचे तो कभी अलमारी के पीछे कभी कागज की टोकरी में बैठने लगे। सारे घर में घूमते रहे। कुछ दिन बाद लेखिका ने पक्षियों को जाली घर में पहुंचाया। जाली घर में पहुंचते ही बाकी जीव जंतुओं ने उनका नई दुल्हन की तरह स्वागत किया। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। मोर के सिर पर कलगी सघन ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच टेढ़ी और तेज हो गई। गोल आंखें इंद्रमणि की नीली चमक की भांति चमकने लगी। लंबी हरी और नीली गर्दन व उसके हर भाव से धूप छाई की तरंगे उठती। लंबी पूंछ व पंखों में इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने लगे। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु उसकी लंबी गर्दन चंचल कलगी कम मनभावन नहीं थी। तो धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। वैसे वैसे उनका कायाकल्प बदलता गया। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच टेढ़ी तथा पैनी हो गई। लंबी पूंछ व पंखों में इंद्रधनुषी रंग झलकने लगे। मोर की तरह मोरनी का विकास नहीं हुआ, परंतु उसकी लंबी गर्दन तथा चंचल कलगी के कारण वह भी उतनी ही मनभावन लग रही थी। मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम रखा गया नीलकंठ। वह मोरनी के सदा उसके साथ साथ चलने के कारण उसका नाम रखा गया राधा। नीलकंठ की भावभंगिमाएं लेखिका को आकर्षित करती। उसका गर्दन टेढ़ी करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना लेखिका व मेहमानों के स्वागत हेतु अपने पंखों को मंडलाकार रूप देना, वर्षा ऋतु में नृत्य करना आदि मनमोहक लगता। अभी नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और मोरनी सदा उसके आगे पीछे घूमती रहती थी।
और उसके कारण उसका नाम राधा रखा गया। नीलकंठ की भावभंगी माँ लेखिका को बहुत भाती थी। गर्दन टेढ़ी करके देखना, दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि, और उसी प्रकार मेहमानों का स्वागत अपने पंखों को मंडलाकार रूप देखकर करना, उसके सारे हावभाव मनमोहक लगते थे। सभी जीव जंतुओं ने नीलकंठ को अपना संरक्षक व सेनापति नियुक्त कर लिया। वह अपने सघन पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और पंखों में छुआ छुअल का खेल खेलते। एक बार एक सांप न जाने कहां से जाली के भीतर आ गया और छोटा खरगोश उसकी पकड़ में आ गया, तो नीलकंठ ने सांप पर वार करके खरगोश के बच्चे को बचाया। राधा ने जब तक दूसरी जीव जंतुओं को सूचित किया तब तक तो नीलकंठ सांप के दो खंड कर चुका था। तो नीलकंठ को जाली घर के सभी जीव जंतुओं ने अपना संरक्षक व सेनापति नियुक्त कर लिया था। सभी जीव जंतु उसकी लंबी पूंछ और पंखों में छुआ छुअल का खेल खिला करते थे। सभी जीव जंतु उनके प्रति उसे अपार प्रेम था। एक दिन अचानक एक सांप जाली के अंदर आ गया। सांप को देखकर सारे जीव जंतु भागकर छिप गए, परंतु एक छोटा खरगोश का बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। नीलकंठ ने अपनी परवाह न करके सांप को पंजों से दबाया और चोंच से उस पर वार कर दिए। इस तरह उसने शिशु खरगोश को बचाया और सांप के दो खंड कर दिए। नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतु थी वर्षा। वर्षा होते ही मोर का गोलाई में पंख फैलाकर नृत्य करना मनभावन होता था। मेघ के गर्जन के ताल पर ही तन्मय नृत्य आरंभ होता। एक दिन किसी काम से लेखिका नखासकोने से निकली तो बड़े मियाँ ने कार को रोक लिया और उन्हें एक मोरनी दिखाई जिसके पंजों की उंगलियां टूटी हुई थी। उसने बताया कि चिड़ीमान ने ऐसा किया है। महादेवी ने 7 रुपये देकर उसे खरीद लिया। नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतु वर्षा थी। जितने अधिक गरजते, बिजली जितनी अधिक कड़कती, उस वक्त उसके नृत्य का वेग अधिक बढ़ता। एक दिन लेखिका बड़े मियाँ की दुकान के सामने से गुजर रही थी तो उन्होंने कार को रोक लिया। उसके पास एक मोरनी थी, उसके पंजों की उंगलियां टूटी हुई थी। यह हरकत चिड़ीमार की ही थी। उस मोरनी को लेखिका 7 रुपये देकर खरीद ले आई। पंजों की मरहम पट्टी करने से 1 महीने में वह अच्छी हो गई। वह थोड़ा डगमगाती हुई चलने लगी। उसे भी जालीघर पहुंचाया गया। वह उसका नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा बाकी जीव जंतुओं की भांति प्रेम मिलाप वाली नहीं थी। वह सदा नीलकंठ के साथ रहना चाहती। एक बार राधा ने 2 अंडे दिए जिन्हें वह पंखों में छिपाए बैठी रही थी, लेकिन कुब्जा ने उन्हें भी तोड़ डाला। नीलकंठ उससे दूर भागता था, परंतु वह किसी को भी नीलकंठ के समीप नहीं आने देती थी। तो घर जाकर लेखिका ने मोरनी के पंजों की मरहम पट्टी की। ऐसे करने से 1 महीने में ही वह अच्छी हो गई और फिर धीरे धीरे वह चलने लगी। उसे भी बाकी जीव जंतुओं के साथ जालीघर में रखा गया, परंतु उसने बाकी जीव जंतुओं के साथ मित्रता नहीं की। वह नीलकंठ के साथ ही रहना चाहती थी और नीलकंठ और राधा को जब वह साथ देखती तो उन्हें चोंच मारने दौड़ती। उसने राधा के 2 अंडे तोड़ डाले। नीलकंठ उससे दूर भागता था, वह उसके साथ रहना नहीं चाहता था। राधा से अलग रहकर नीलकंठ अप्रसन्न रहने लगा।
कई बार वह उदास होकर आम की शाखाओं में भूखा प्यासा छिप जाता। अब नीलकंठ की चाल में थकावट व आंखों में शून्यता रहती। महादेवी सोचती रही कि समय रहते सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि नीलकंठ पूंछ व पंख फैलाए धरती पर बैठा था। लेखिका के पुकारने पर भी वह हिला डुला नहीं, वास्तव में वह मर गया था। तो नीलकंठ राधा से अलग रहना नहीं चाहता था। राधा से अलग रहकर वह अप्रसन्न रहने लगा। वह भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिप जाता। अब उसकी चाल में थकावट और आंखों में उदासी थी। 3-4 माह बाद एक दिन लेखिका ने उसे पुकारा, आवाज दिया, उसे हिलाया, परंतु वह नहीं उठा। वास्तव में वह मर गया था। महादेवी ने उसे अपने शाल में लपेटकर गंगा की लहरों में प्रवाहित कर दिया। राधा उसकी मृत्यु के बाद सदा उसके इंतजार में रहती कि वह आ जाएगा। कुब्जा भी नीलकंठ को ढूंढती रही। जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर भागती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में उसे ढूंढती। एक दिन आम की शाखा से उतरी की अल्सेशियन उसके सामने आ गई। उसने कजली पर चोंच का प्रहार किया। कजली ने 2 दांत उसकी गर्दन पर लगाए, जिससे उसकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई। लेखिका ने उसे शाल में लपेटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। राधा उसकी इंतजार में मृत्यु के बाद भी रहती थी कि वह फिर से लौट आएगा। कुब्जा भी नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन कुब्जा आम की शाखा से उतर रही थी, तब अल्सेशियन कजली उसके सामने आ गई। तो कुब्जा ने कजली पर प्रहार कर दिया। फिर कजली ने भी 2 दांत उसकी गर्दन पर लगा दिए। उसके कारण उसका भी जीवन समाप्त हो गया। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। पहला है, बड़े मियाँ की बातें कब रुकती थी? पहला विकल्प है, जब वे पूरी बात कह लेते थे। दूसरा है, सुनने वाला थक कर जब रोक देता था। और तीसरा विकल्प है, जब नया ग्राहक मिल जाता था। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है, सुनने वाला थक कर जब रोक देता था, यह वाक्य सही है। दूसरा वाक्य है, मोर के दोनों बच्चों को चिड़ीमार कहाँ से पकड़कर लाया था? पहला विकल्प है शिवगढ़ से, दूसरा है शंकरगढ़ से और तीसरा विकल्प है रामगढ़ से। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है शंकरगढ़ से, यह विकल्प सही है। तीसरा है, लेखिका को किस बात की जानकारी नहीं थी? पहला विकल्प है नीलकंठ कब इतना बड़ा हो गया? दूसरा विकल्प, मयूर शावकों को कितने में खरीदा? और तीसरा विकल्प है, नीलकंठ कब बाकी जीव जंतुओं का सेनापति तथा संरक्षक बन गया? तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है, नीलकंठ कब बाकी जीव जंतुओं का सेनापति तथा संरक्षक बन गया, यह विकल्प सही है। चौथा है, नीलकंठ खरगोश कबूतर आदि जीव जंतुओं को लेकर सवेरे कहाँ जाता था? पहला विकल्प है खेत की ओर, दूसरा विकल्प है जहाँ पर दाना दिया जाता है और तीसरा है पार्क की ओर। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है जहाँ पर दाना दिया जाता है, यह विकल्प सही है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत चुनिए। पहला वाक्य है, भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर पक्षी है। विकल्प है, पहला है सही और दूसरा है गलत। तो यह वाक्य सही है। दूसरा वाक्य है,
पिंजरा बड़ा होने के कारण पक्षी शावक जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। पहला है सही, दूसरा विकल्प है गलत। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है यह वाक्य गलत है, क्योंकि पिंजरा बहुत संकीर्ण था यानी छोटा था, और इसलिए पक्षी शावक जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। तीसरा वाक्य है, लेखिका ने ड्राइवर को बड़े मियाँ के दुकान के पास गाड़ी रोकने का संकेत किया। पहला है सही और दूसरा है गलत। तो यह वाक्य सही है। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। धन्यवाद।